गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का वीडियो होगा स्ट्रॉबेरी के पौधे के ऊपर। और ये पौधा लगभग सबके घर में, जो लोग गार्डनिंग कर रहे हैं आज के डेट में, सबके घर में पाया जाता है। क्योंकि आज के डेट में इंडिया में जितना सारा नर्सरी हम लोग देखते हैं, लगभग सब जगह पे ये पौधा अवेलेबल है। आज से 5-6 साल पहले भी ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ, ये पौधा देखने में बहुत प्यारा है। इसका फल जो आता है वो भी बहुत प्यारा आता है। हालांकि ये अलग बात है कि फल खाने में उतना टेस्टी नहीं होता है, इसका जो फ्लेवर है वही सही है, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मेरे बेटी की वजह से मुझे ये पौधा लगाना हुआ, और क्या बोले, मतलब उसको बहुत ज़्यादा पसंद है ये पौधा। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर ले और बगल में दिए हुए घंटी को दबा दे, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि मैं अपने दूसरे वीडियो में आपसे कहता रहता हूँ कि आप कभी भी केमिकल खाद का इस्तेमाल कोई भी फल या सब्ज़ी के पौधे में ना करें, तो मैं वही चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, आपको शो करना चाहता हूँ। हाँ, डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर आते हैं आपके साथ। जैसे कि मेरे ये पौधे के जो पत्ते हैं, आप देख सकते हो इनमें फंगस लगे हुए हैं, लेकिन ये फंगस सिर्फ और सिर्फ पत्तों पे इफ़ेक्ट करता है, फल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कि चाहे कुछ पत्तियाँ मेरा ख़राब हो जाए, चाहे कुछ फल मेरे सही शेप के ना आए, लेकिन किसी भी कंडीशन में मैं इसमें कोई भी केमिकल चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ बायो पेस्टिसाइड है, जैसे कि आपका नीम ऑयल हो गया, गार्लिक ऑयल हो गया, ये सब चीज़ लोकल नर्सरी में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करिए, थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन तो ये कर ही देंगे। मतलब 100% तो नहीं हो सकता, जैसे केमिकल पेस्टिसाइड या फंगिसाइड जैसे प्रोटेक्ट करते हैं वैसा नहीं, लेकिन हाँ, ये लोग एक सर्टेन हद तक पौधे को मरने से बचा देते हैं। और थोड़ा बहुत जो डिफॉर्मेशन हो सकता है उसे आप होने दीजिए, कोई टेंशन नहीं है उसमें। कोई किसान भाई अगर मेरा ये वीडियो देख रहा है, तो उनके लिए मैं बता दूं, ये जो फंगस स्ट्रॉबेरी में लगता है, इसका सबसे बेहतरीन दवाई है एमिस्टर टॉप। आप उसका स्प्रे कीजिए और इस पौधे को बड़ा होने के लिए या फल प्रॉपर शेप या साइज़ में देने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है उसका नाम है कैल्शियम। यह बहुत जल्दी अपना कैल्शियम डेफिशिएंसी शो करता है, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो अगर आप लोग के पास कैल्शियम के लिए, यहाँ पे सबसे बेहतर मैं देखा हूँ काम करता है एरिस का एक प्रोडक्ट है कैल्सी बोरोन बोल के, अगर वो, डेफिनेटली ये थोड़ा महंगा प्रोडक्ट है, तो अगर आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी इस्तेमाल कर सकते हो सेम चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए। लेकिन मैं बार बार एक ही बात आपसे कहूँगा कि अगर आप अपने घर के लिए कर रहे हो तो ये सब चीज़ों का बिल्कुल भी उपयोग ना करें, क्योंकि देखिए है तो आखिर में ये केमिकल ही। लेकिन कोई किसान भाई अगर ये करना चाहते हैं, अदरवाइज़ क्या होगा, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम कुछ अलग है। वो अगर प्रॉपर शेप में स्ट्रॉबेरी को नहीं ला पाएंगे, डेफिनेटली बाज़ार में जब बेचने जाएंगे उसका पैसा नहीं मिलेगा उन लोगों को, हम ही लोग उनसे नहीं खरीदेंगे, तो उनके लिए सही है। लेकिन आप घर में अगर इस पौधे को ट्राई कर रहे हो, डोंट यूज़ सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट। आप नॉर्मली कीजिए, आप ट्राइकोडर्मा, नीम ऑयल, गार्लिक ऑयल, इन सब चीज़ों का यूज़ कीजिए। और साथ में इस पौधे के लिए आप एक काम कर सकते हो, अंडे का जो छिलका है उसको चूर्ण बना के महीने में एक बार आप ऊपर में दे सकते हो, वहाँ से कुछ कैल्शियम इसको मिल जाएगा। और लगभग हर 15 दिन में एक बार मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लिक्विड मस्टर्ड के एक सोल्यूशन यूज़ करता हूँ। आप चाहे तो घर में बना हुआ कंपोस्ट से भी इसको फीडिंग कर सकते हो, बाज़ार से ख़रीदा हुआ कंपोस्ट इसमें इस्तेमाल ना ही करें, क्योंकि एक चीज़ पाया जाता है कि कंपोस्ट में ओवरऑल जो उसका जो पावर है उसे बढ़ाने के लिए कंपनियां क्या करता है, उसमें केमिकल ऐड कर देता है। तो वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट जो अगर मार्केट से आपका ख़रीदा हुआ है उसे इसमें यूज़ ना करें। अगर आपका घर का है, डेफिनेटली आप उसे यूज़ कर सकते हो, बेहतर रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको दूंगा।
और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।